पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगली बड़ी खबर हाथरस से, जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। संचालकों ने पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। बीड़ी मांगने पर जंजीरों से बांधकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। विरोध करने पर संचालकों ने भर्ती अन्य लोगों को भी पीटा। बता दें आपको कि युवक की हत्या के बाद शव को अस्पताल ले गए थे संचालक। नशा मुक्ति केंद्र की दीवार तोड़कर अन्य लोग भाग गए हैं। फिलहाल बाहर मौजूद लोगों से जान बचाने की युवक ने गुहार लगाई थी। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के तहसील का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। संचालकों ने पीट पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। बीड़ी मांगने पर जंजीरों से बांधकर युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं इसका विरोध करने पर संचालकों ने अन्य लोगों को भी पीटा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। युवक की हत्या के बाद शव को अस्पताल ले गए थे संचालक। नशा मुक्ति केंद्र की दीवार तोड़कर अन्य लोग भाग गए। वहीं बाहर मौजूद लोगों से युवक ने जान की गुहार लगाई। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के तहसील का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों की दबंगई सामने आई है। बीड़ी मांगने पर एक युवक को जंजीरों में बांधकर इतना पीटा कि उस हाथरस से हमारे सहयोगी सूरज मौर्य इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूरज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? पूरा मामला देर रात का है, जहां पे नशा मुक्ति केंद्र जो थाना हाथरस गेट क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल ठीक तहसील सदर तहसील के सामने है, जहां पर एक जो शराब छुड़वाने के लिए जिन लोगों को लाया जाता है और उनके बाद उनको ना वहां पे प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल जबरदस्त एक युवक था, बीड़ी मांगने पर एक उसको उसके साथ संचालकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल भी लाया गया, लेकिन उसके उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये सारे मामले को देख द्वारा की गई है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? क्या संचालकों को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, अभी संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संचालक अभी भी फरार हैं और इस पूरे मामले में पुलिस संज्ञान लेकर पूरे मामले की जानकारी तय तक जुट रही है कि पूरा मामला हुआ क्या, आखिर उसको इतनी इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया, क्यों क्यों मारा गया। बाकी और लोग जो भी हैं, वो बाकी जो संचालक के मारपीट के कारण बाकी वहां से जो शराब छुड़वाने के लिए जो लोग आते हैं वो वहां से फरार हो चुके हैं। सूरज, क्या मौके पर मौजूद अन्य लोगों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई है? क्या कुछ जानकारी उनसे निकलकर सामने आ रही है? क्यों इतनी बड़ी घटना हुई, क्या वजह रही इसके पीछे? बिल्कुल, घटना ये रही कि वहां पे जो संचालक था उसने एक बीड़ी मांगने पर उसको जो शराब छुड़वाने के लिए लोग आते हैं उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी होगा और उनका यही कहना है कि ये इस तरह की घटना जो है आए दिन यहाँ पे होती है, जिससे ये लोग बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। हालांकि इस पूरे मामले की लोगों ने कई बार शिकायत भी की है, मगर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकल प्रशासन भी इन लोगों की मदद कर रहा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज।